नमस्कार मित्रों, मैं राजीव मिश्रा सोशल रिसर्च फाउंडेशन में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आपको बताना चाहता हूं सोशल रिसर्च फाउंडेशन उच्च शिक्षा में शोध प्रशिक्षण के लिए लगातार तत्पर रहता है और इस क्रम में हम 6 अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च जर्नल्स का प्रकाशन लगातार कर रहे हैं। मित्रों, जर्नल्स की जो गुणवत्ता है उसका प्रमुख कारण है हमारा रिव्यू प्रोसेस। हम अपने पेपर को डबल ब्लाइंड पीयर रिव्यू पद्धति के आधार पर रिव्यू कराते हैं, तमाम एक्सपर्ट्स के पास भेजते हैं और उनके द्वारा अनुशंसित होने पे ही वो पेपर आगे प्रकाशित होता है। इसी कड़ी में सोशल रिसर्च फाउंडेशन ने एक नई शुरुआत करी है, वो है ओपन वाइवा। इस क्रम में हम जूम मीटिंग के तहत एक्सपर्ट और लेखक को आमने सामने रखकर एक साक्षात्कार कराते हैं, जिसमें दोनों एक दूसरे से अनभिज्ञ होते हैं, खाली उनके पेपर एक दूसरे के पास होते हैं और वे अपने पेपर पर एक डिस्कशन करते हैं एक्सपर्ट से और एक्सपर्ट उस पेपर पर साक्षात्कार पद्धति से डिस्कशन करने के बाद पूरी तरह जब संतुष्ट हो जाता है तब वह पेपर हम अपने जर्नल में प्रकाशन के लिए भेजते हैं। तो आइए हम अपनी तरह का पहला अभिनव प्रयोग करते हैं रिव्यू प्रोसेस के लिए ओपन वाइवा के रूप में। अच्छा, तो मैं आपका पेपर शेयर करता हूं और आप अपने पेपर को हमारे रिव्यूअर मंडल को बताइए कि इस पेपर में क्या है, क्यों लिखा गया है, क्या उद्देश्य है इत्यादि। ठीक है, हाँ बताइए। भेजिए आपके पीछे से मैं बहुत शोर सुनाई दे रहा है, अगर आप लोग थोड़ा सा शांति का सहयोग देंगे तो शायद पेपर आप ज्यादा अच्छे से देख पाएंगे। ठीक 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 ठीक। क्या ये पेपर आपका है? महंगाई का महंगाई का शैक्षिक एवं बौद्धिक समाधान। हाँ हाँ, ये हमारा पेपर है। जी हाँ जी जी। तो आप बताइए, हमारे सभा को बताइए, बोर्ड को बताइए कि ये पेपर का लिखने का पीछे मंतव्य क्या था और इस पेपर के बारे में आप पूरा पूरा जो भी बताना चाहते हो बताइए। ठीक है, आवाज उनके पास जा रही है हमारी? हाँ हाँ जा रही है जी, जा रही। इस पेपर के लिखने का मंतव्य ये है कि जब किसी भी चीज का रेट बढ़ता है या महंगाई बढ़ती है तो उससे एजुकेशनल और इंटेलेक्चुअल जो हमारी कैपेसिटी है उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। महंगाई बढ़ने से एजुकेशन बढ़ती, वो एजुकेशन के ऊपर खर्च बढ़ता है और जब खर्च बढ़ता है तो लोग सही तरीके की एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, जिसके कारण समस्याएं होती हैं। और इसी वजह से ये है कि अगर हम थोड़ा सा क्वालिटी बढ़ा दें या एजुकेशन को थोड़ा सा कम कर दें, जैसे वर्तमान समय में आपकी प्रोफेशनल एजुकेशन बढ़ रही है और उसके रेट निरंतर बढ़ रहे हैं, फीस बढ़ती जा रही है, फीस बढ़ने की वजह से जो एजुकेशन सर्व सामान्य को सुलभ होनी चाहिए वो सुलभ नहीं हो पाती। जैसे आर्टिकल 45 में ये लिखा गया था कि भारत जो है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करेगा संविधान लागू होने के 10 वर्षों के भीतर, लेकिन आज अगर कोई चीज सबसे ज्यादा महंगी हुई है तो वो एजुकेशन है। परिणाम ये हुआ कि एजुकेशन दो कैटेगरी में विभक्त हो गई है। पहली एजुकेशन उनके लिए जो बहुत ज्यादा पैसा अफोर्ड कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल IIM में इस समय जो एवरेज फीस है वो 13 से 14 लाख रुपए पर ईयर की है। अब अगर कोई सामान्य लड़का किसी भी तरीके से IIM की परीक्षा पास करके सेलेक्ट हो जाता है तो महंगाई होने के कारण वो अपने वांछित उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकता। हमने ये कहा है कि एजुकेशन को सस्ती होना चाहिए, निःशुल्क भले ना हो लेकिन ये एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो यूनिवर्सल हो और इसका समाधान इंटेलेक्चुअल ही कर सकते हैं। और कुछ पूछना है? हेलो जी। हाँ, और कुछ पूछना? तो आपने बाकी चीज जो समाधान है, महंगाई के समाधान है या और बाकी चीजें जी, हाँ किन चीजों की स्टडी करके ये सब निकाला होगा, कुछ इसके बारे में कैसे जाना होगा, कुछ क्या रिव्यू किया या आपने जाके देखा? चूंकि हम डिग्री कॉलेज में सर्विस कर रहे हैं 20 साल से, हमें देख रहे हैं, हमारा जो कॉलेज है वो रिमोट एरिया में है, रूरल एरिया में है,
हम ये देखते हैं कि लड़कों के पास जब कोई असाइनमेंट जमा करने के लिए तो बड़ी मुश्किल में वो जमा कर पाते हैं। ये हम हायर एजुकेशन की बात कर रहे हैं, सेकेंडरी और प्राइमरी की बात ही नहीं कर रहे हैं। हायर एजुकेशन में भी अफोर्ड करने की स्थिति में लोग नहीं होते हैं, तमाम बार वो बेचारे पन्ने पे लिख करके या इस तरीके से चीजें होती हैं। तो अगर एजुकेशन थोड़ा सा सस्ती हो जाए तो शायद व्यवस्था ज्यादा अच्छी हो जाएगी। समाधान के रूप में हम ये कह रहे हैं कि एजुकेशन शुड बी फ्री फॉर ऑल कैटेगरी ऑफ द स्टूडेंट, और ये अगर नहीं होगा तो एजुकेशन निरंतर बढ़ती चली जाएगी, जैसा कि हम तमाम जगह देख रहे हैं। अब जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी लागू हुई है, उसमें वोकेशनल सब्जेक्ट हो गए हैं और उसमें यूनिवर्सिटी और कॉलेज से तमाम सर्कुलर लिख करके आए हैं कि ये कोर्स जो है नो प्रॉफिट नो लॉस पर बच्चों की फीस लेकर के संचालित किए जाएंगे। तो निश्चित रूप से इससे एजुकेशन की जो रेट है, एजुकेशन का जो मूल्य है, वो बढ़ेगा। जब बढ़ेगा तो उसको लेने वाले लोगों की संख्या भी घटेगी और इससे गुणवत्ता प्रभाव पड़ेगा। जी, और कुछ माननीय, मैं पूछना? आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। मैं फर्स्ट रिव्यूअर मैन से जी उम्मीद करता हाँ हूँ, निवेदन करता हूँ कि अगर हाँ अपना वीडियो ऑन कर लें और माइक ऑन कर लें तो हम लोग एक दूसरे से कुछ बात कर जी पाएंगे बैठ के। सेकंड रिव्यूअर मैम भी अगर अपना माइक और वीडियो ऑन कर लें तो हम सर से पूछ जी पाएंगे। खाली मेरा एक कहना है, बाकी तो जी रिव्यूअर्स बात करेंगे आपसे। बताएं जी पेपर आपका बहुत अच्छा है, टॉपिक भी बहुत अच्छा है, सामयिक है, जी समीचीन है, आज के भारत के अनुकूल है, और जी आपका जो टॉपिक है वो जनमानस का टॉपिक है। मैं इस बात के लिए आपको बधाई देता हूँ। लेकिन आदरणीय जो जी जो जो मेरा एक अच्छे मतलब मेरा एक हस्तक्षेप है, हाँ मेरा हाँ सुझाव है, बताएं ये एक आर्टिकल है, ये रिसर्च पेपर नहीं बना अभी तक। जब तक कि, क्योंकि आप तो इस बात को बहुत अच्छे से जानते हैं, जी आपने बात बहुत अच्छी उठाई है, लेकिन अगर इसी में थोड़े साक्ष्य, थोड़े तथ्य, थोड़े रेफरेंस, चाहे वो रिव्यू के ही होते, अगर आपने उनको दिए होते, टेबुलेशन वर्क में डाला होता तो बहुत अच्छा होता। अदरवाइज आर्टिकल ही अच्छा है, बट ये तथ्यात्मक रिसर्च पेपर नहीं हो सकता मेरे विचार से। बाकी मैं अपने रिव्यूअर मैम के पास चलता हूँ कि वो क्या कहती है। हाँ भेजिए लाइए। फर्स्ट रिव्यूअर मैम, हाँ लाइए, धन्यवाद सर। सबसे पहले तो नमस्कार। मैं ऑथर सर को बधाई देती हूँ कि उन्होंने पेपर को प्रेजेंट किया और अपनी बात समझाने का प्रयास किया, क्योंकि पेपर अच्छा था आपका। आपने चार उद्देश्य दिए थे इसमें, महंगाई के जी कि पूर्ति के संबंध हाँ को हाँ सुनिश्चित करना, महंगाई के समाधान में शिक्षा की भूमिका को स्पष्ट करना। तो जैसे पेपर होता है तो हाँ हाँ हमेशा पेपर में उद्देश्य के बाद जो है वो आप का रिव्यू ऑफ लिटरेचर कि आपने कहाँ से साहित्य को कलेक्ट किया है। तो साहित्य को कलेक्ट करने के लिए आपने जो रेफरेंसेस दिए हैं वो बहुत पुराने हैं। मैंने देखा आपके रेफरेंसेस को, तो वो हाँ 2000 ठीक है, देखिए के आसपास के हैं, बहुत हाँ 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 रेफरेंसेस ठीक नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है, इस समय तो कोरोना काल था, तो हमारे पास जो हाँ आत्मनिर्भरता वाली स्थिति आई उसमें भी आपकी ये हाँ चीजें समाहित हो सकती थी। महंगाई के समाधान बिल्कुल में बिल्कुल बुद्धि की भूमिका, आपका थर्ड उद्देश्य था बुद्धि हाँ की भूमिका, तो बहुत ही अच्छा ये उद्देश्य था। और मैंने आपका देखा तो थोड़ा सा, हाँ देखिए टाइप मिस्टेक हम समझ सकते हैं कि जब टाइप कराने कहीं जाते हैं तो थोड़ी बहुत टाइपिंग मिस्टेक होती। जो आपकी ये टेबल फॉर्म महंगाई वाली बनी हुई है, जिसमें आपने माल और पूर्ति, इसमें आप देख लीजिएगा, इसमें आपको हाँ करेक्शन करना है, क्योंकि ये टेबल में जो ठीक है, एरो जो शो हो रहे करेक्शन हैं, कहेंगे जी जी हाँ हाँ एरो हाँ हाँ शो हाँ हो रहे हैं, एरो में पूरी तरीके से ये हाँ एरो नहीं हो रहे हैं, तो आप इसमें हाँ हाँ करेक्शन ठीक करिएगा। है, करा दूसरा निष्कर्ष देंगे। आपने 2 लाइनों का लिखा है, क्योंकि हाँ। तथ्य तथ्य आपके पास कम है, इसलिए निष्कर्ष तरीके से उसमें बैठ नहीं, फिट नहीं बैठ रहा है। आप उद्देश्यों को लेते हैं, उनका समाधान करते हुए आप निष्कर्ष लिखेंगे, तो अगर पेपर आपका ये साइकोलॉजी बेस्ड आप बनाएंगे या आप इसको रिसर्च बेस्ड बनाएंगे तो बार डायग्राम अच्छा बन सकता है, क्योंकि डिमांड, एक तरफ डिमांड होती है और एक तरफ प्रोडक्शन होता है, तो आपका इसमें बार डायग्राम भी बहुत अच्छा बन सकता है। और 2 लाइनों का निष्कर्ष पूरा तथ्य को क्लियर नहीं कर रहा है, क्योंकि सिर्फ महंगाई का आर्थिक समाधान तो महत्वपूर्ण है, लेकिन सर्वाधिक महत्व शैक्षिक एवं बौद्धिक समाधान है। तो आप इसमें शैक्षिक एक समाधान को ज्यादा समाहित करिए, तभी आप समाधान कर सकते हैं इसका। तो ठीक है, इस आज पे थोड़ा सा निष्कर्ष बढ़ा देंगे हम, हाँ निष्कर्ष निष्कर्ष बढ़ा बढ़ा देंगे। दीजिएगा हाँ आप, बढ़ा देंगे। रेफरेंसेस
रेफरेंसेस भी थोड़े से नए लेकर के आइए, क्योंकि साहित्य जब आप नया लेंगे तो आप इसमें नया कुछ अमेंडमेंट कर एक्चुअली देंगे। में तो प्लस हाँ जो आप कह रहे हो ना, आप 20 साल से जहाँ पर जॉब कर रहे हैं, तो आप हाँ स्वयं हाँ में उस स्थिति को और अच्छा बनाने का बिल्कुल प्रयास स्वयं कर बिल्कुल। सकते एक चीज हैं। मैडम, तो हमारी बात सुनिए, एक चीज सुनिए। देखिए ऐसा है ना कि जो डोमेन होता है, जो लेवल आप लर्निंग का है, वो जी जी मेमोरी अंडरस्टैंडिंग, और तीसरा जो लर्निंग आपका रिफ्लेक्शन लेवल ऑफ लर्निंग है। जी रिफ्लेक्शन लेवल ऑफ लर्निंग में बहुत ज्यादा जो संदर्भ है या उन चीजों की नहीं आवश्यकता होती है। जैसे जो जनरल आर्टिकल का इस समय वो बेस चल रहा है कि लोग दो चार जगहों से अपना कलेक्ट करके और इस तरीके से कर देते हैं, लेकिन अगर जी आपको ओरिजिनल स्टडी देखनी है तो ओरिजिनल जी स्टडी में कोई जरूरी नहीं है कि इसके पहले हम उससे पहले उसके पर काम हुआ हो अथवा ना हुआ हो। तो नहीं ये सर जो हमारा सर पेपर सर है। जी सर 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 इंटरप्ट करना चाहूंगा। जी अगर सर बताइए। रिसर्च है, अगर रिसर्च है तो वो जी किए जी हुए पे किया हुआ होगा, यानी उससे पहले कुछ जरूर किया गया होगा, और बिल्कुल अगर सर, और उससे पहले किताबों कुछ में नहीं भी किया नहीं, गया है तो वो अन्वेषण वो है, शोध है, पूरी हाँ तरह नया जी है। जी तो या तो आप घोषित जी करिए कि जी इससे पहले इस वही विषय पे किसी ने कोई काम ही नहीं किया है, मैंने ही पहला काम किया है, और अगर इससे हाँ पहले कुछ किया है देखिए तो केस स्टडी और रेफरेंस आपको डालने ही होंगे, ये सर्वे, एक नियम क्योंकि है हाँ, वो तो ना। डालना, अच्छा, दूसरी वो बात हमको यह पता कि है। हाँ नहीं, आप जी तो जी आदरणीय, मैं आपसे श्रद्धा के साथ कहता हूं कि आप हमसे बहुत सीनियर हैं, आपको जरूर पता होगा, पर जब हम एग्जामिनर उस पेपर को देखेंगे तो हम अगर ये मान के चलेंगे कि आपको सीनियर है तो फिर हम आपका पेपर रिव्यू नहीं कर पाएंगे, है नहीं, ना। ठीक है, आप रिव्यू तो करिए लेकिन। इसलिए अगर हम रिव्यू हाँ करेंगे तो जाहिर सी बात है आपको भी स्वीकार, जो सही बातें होंगी वो स्वीकार करनी होगी। ठीक बिल्कुल है, सही बात रेफरेंस में जैसा स्वीकार। मैम ने कहा कि 2008, इस समय हम 2022 में चल रहे हैं, जी 14 साल पुराने अगर किसी रेफरेंस को लेंगे तो इससे पहले इस समाज में बहुत सारे चेंजेस हो गए हैं, परिवर्तन हो गए हैं। बिल्कुल ठीक बिल्कुल है, उन बिल्कुल परिवर्तनों को, और इससे पहले कोई काम किया ही गया, मान लिया कि ये काम हम आप लेके बोले कि ये काम मेरा नया है, तब तक 2016 में कोई उठ खड़ा होता है, नहीं ये काम तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। तो इसलिए आपको वहां तक के रिव्यू देने ही चाहिए, ताकि आपके आपके इस पेपर पे कोई और क्लेम ना कर सके। जी पेपर मैम, पे कोई दूसरा क्लेम क्यों कर सकता है जब पेपर हमारा ओरिजिनल रिटेन नहीं बाई सर, हम आपसे हमारा है। क्लेम करने की कोई बात नहीं कर रहे, बस आप थोड़ा अमेंडमेंट कर दीजिए, थोड़ा इस पेपर को अमेंडमेंट आप अमेंडमेंट कर सेक्शन देंगे, बना दीजिए, अमेंडमेंट कर आप देंगे जो आप हाँ रेफरेंस सर नए आएंगे, नए नए एक रेफरेंस दो नए आएंगे, रिफरेंस कंक्लूजन दे दो भी रिफरेंस आएगा करवा और सर्वे भी दे। आएगा, हाँ सर्वे रिपोर्ट आपकी हाँ आएगी, लिटरेचर आएगा, चलो तो ठीक है, एक दो अच्छा हो उसमें जाएगा, बढ़ा आपका देते हैं। पेपर अच्छा हो जाएगा, नो डाउट, हाँ आपका ठीक है। पेपर अच्छा है और आपने प्रयास नहीं बहुत पेपर अच्छा किया। आजकल की जनरेशन में, आजकल के समाज में ये जो सर ने मुद्दा उठाया है, ये सारे अभिभावकों का मुद्दा है, सारे कम्युनिटी का मुद्दा है, पूरे समाज का मुद्दा है। तो ये मुद्दा बहुत, जैसे मैंने, पूरे समाज का हार्ट टचिंग मुद्दा है, नहीं और मैंने सर, जो हमने आप फेल किया वो मुद्दा है, आपके इस समझ रिव्यू लीजिए। को आपने देखा नहीं कि पेपर का रिव्यू खत्म होने से पहले ही मैंने मैंने शुरुआत में सबसे पहली लाइन ये की थी कि बहुत अच्छा है, खाना बहुत अच्छा बना है, परोसा गलत गया है, उसको परोस हाँ ठीक, हमारे रिव्यू का, हमारी इस रिव्यू पद्धति ठीक का मकसद ही खाली यही है कि हम आपके ठीक पेपर को है प्रेजेंट ठीक से करवाएं। ठीक है, हम निष्कर्ष को बड़ा कर देते हैं, थोड़ा रिफरेंस करेंट डालवा देते हैं, और उसके बाद फिर आपके पास पहुंच जाएगा। ठीक है ओके जी बेहतर, ठीक है मैम, ठीक है, मैं नमस्कार। आपने इतना ओके समय सर दिया, मैं इसके लिए नमस्कार आपको अपने तमाम रिव्यूअर्स नमस्कार को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, और उम्मीद करता हूं कि हमारे पास, हमारे देश में जो तमाम सारे शोधार्थी हैं वो भी अपना पेपर हमारे समक्ष प्रस्तुत करेंगे, ताकि जो हमारे बिल्कुल विषय विशेषज्ञ लोग हैं वो आपके पेपर्स को अच्छा बनाए। मैं बार बार कहता हूं कि सोशल रिसर्च फाउंडेशन का कतई ये उद्देश्य नहीं है कि आपके पेपर को हतोत्साहित करें, बल्कि उद्देश्य ये है कि जो आइडिया आपने डेवलप किया है उस आइडिया को हम और अच्छा बना के आपको आपको एक बहुत अच्छा सुझाव देके, ताकि आपका पेपर अच्छा बन सके और वो समाज और विश्व के समक्ष प्रस्तुत हो सके, क्योंकि जो समाज होता है वो, जो शोध होता है वो खाली हमारे लिए नहीं है, हमारे हमारे शहर के लिए नहीं है, बल्कि हमारे देश और हमारे विश्व के लिए है, समस्त विश्व के कल्याण की भावना से शोध किया जाता है। तो आप निसंकोच अपना पेपर हमारे साथ भेजें, और मैं उम्मीद करता हूं कि आगे इस समाज हमसे कुछ सीखेगा भी। तो मैं आप धन्यवाद सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए अगली मीटिंग में फिर से मिलने की आकांक्षा व्यक्त करता हूं। सादर नमस्कार, धन्यवाद, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नमस्कार नमस्कार, नमस्कार। धन्यवाद।